नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद कोकल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बना रहे हैं गला, और मैं आपको छोटे छोटे से जो गला बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऐसे ही स्टेप आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये पता ही है आपको, मैं ये जो बुकरम की पट्टी लेती हूँ वो मेरी 7 से 8 इंच की चौड़ी होती है, और लंबाई गले की आपको पता ही है 7 से 7.5 इंच होती है, और चौड़ाई हमेशा 3 इंच की ही होती है गले की, उसी में गला फिट बैठता है। तो देखिए, ये मैं ना जो रेडीमेड गला आता है वो मैं जो मेरे जैसी बिगनर्स मैंने हैं, कई बार क्या होता है हमें डिज़ाइन के गले बनाने नहीं आते, तो हम बस चकोर और गोल गला काट कर ही उसमें अपना काम कर देती हैं। तो देखिए, जैसे अगर आपको भी नहीं आता है, जैसे मैंने ये रखा है बस ऐसे ही आपको भी रखना है और इसे बना देना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो वही गला रख दिया और बना दिया, तो मैं इस प्रोसेस को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगी अच्छे से कि इसमें कितना अंतर है, कि छोटा और बड़ा गला कितना है। और बस इसमें बड़ा और छोटा गला क्या करना है कि हमें 1 इंच ऊपर से छोड़ देना है। जो रेडीमेड गले आते हैं वो 6 ही इंच के होते हैं, तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, और कटाव का गला हमेशा आधा इंच बड़ा होता है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। ये देखिए, मैं आपको रख कर दिखाऊंगी कि इसमें कितना ज़्यादा अंतर है। ये देखिए, ये बिल्कुल अंदर की साइड है और ये पूरा बाहर की साइड है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, हमारे पास जब ये कपड़ा नहीं होता तो क्या करें, कई बार क्या होता है हमारे पास कपड़ा नहीं होता और हमें मैचिंग का कपड़ा लगाना होता है, तो घबराइएगा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरह अस्तर हमें सिंगल नहीं लेना है, मैंने डबल इनर को ले लिया है और उस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई मैं कैसे लगा रही हूँ इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। जब भी हम गोल गला या बुकरम का गला बनाते हैं तो उसके बीच में से सिलाई लगा देते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। ये जो हम बना रहे हैं, बस इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमने ये गला सेट किया हुआ है वैसे ही हमें इस गले के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए, और इसको बार बार मैं आप लोगों से बताती हूँ कि इसे नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये आगे से चौड़ा तो नहीं हो गया है। तो इसे मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट देती हूँ। देखिए, सिलाई आपने देख ही ली है, और अब इस पर मैं 5 नंबर की सिलाई लगा दूंगी और इसे कंप्लीट करूंगी। देखिए, एक बार इसे मोड़ कर देख लेंगे कि गला ऊंचा नीचा ना हो और कहीं से टेढ़ा ना हो। ये मैं छोटी छोटी बारीकियां आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और अपने काम खुद से कर सकें और किसी दूसरे के ऊपर हम सब डिपेंड ना हो। तो देखिए, ये तो प्रोसेस मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि हमें कट के साथ कट लगा कर और बीच में निशान लगाकर गले को रखना होता है। जैसे ये नोकदार गला है तो बस इसमें हमें क्या करना है, नोक तक ही इसमें चलाना है। और ये देखिए, मैं कैसे इसमें मशीन चला रही हूँ, बिल्कुल बुकरम के साइड में। और जब ये कॉर्नर आता है तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ही हमारी सुई होनी चाहिए और मशीन को चलाना है। मशीन को धीरे धीरे चलाइएगा, ज़्यादा जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे जब हम सूट सिलते हैं तो सूट का में फिटिंग और गला ही सबसे पहले दिखता है। तो अगर गले में ही थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो बिल्कुल सूट की सुंदरता खराब हो जाती है। तो देखिएगा, पूरा ये बनेगा तो बिना प्रेस के ही इतना अच्छा फिट बैठ जाता है, और प्रेस करने के बाद तो बात ही क्या है। और ये देखिए, जो ये मैंने काटा है गला को, काट कर कपड़े को अलग कर दिया, और देखिए जो ये हमें गोलाई पर कट लगाने होते हैं ना, हमें छोटे छोटे बहुत सारे कट लगाने होते हैं ताकि जब हम इन्हें पलटते हैं तो
हमें परेशानी ना हो। अब आता है कि हमें ये नोक बराबर कैसे निकालनी है। कई बार जब हम ना नोक निकालते हैं तो बड़ा ही वहाँ मोटा सा हो जाता है और अच्छे से नहीं निकल पाती। यहाँ पर ऐसे बुकरम के ऊपर उंगली रखनी है और पलट देना है और धीरे से हमें किसी नुकीली चीज की मदद से नोक को बाहर निकाल देना है। देखिए दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए, और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नोक निकलकर बाहर आ गई है। तो जो ये कॉर्नर निकालना होता है तो हमेशा यहाँ उंगली लगाकर निकालिएगा ताकि जो गले की शेप है वो खराब ना हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम लोग आप लोगों के लिए ये छोटे छोटे से स्टेप और वीडियोस लेकर आते हैं ताकि मेरी सभी व्यूवर्स को फायदा हो सके और अपने काम खुद से कर सकें। तो देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, और बने रहिए अगली वीडियो तक, और अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।